भारत क्लास फर्स्ट विषय हिंदी, सेकंड विषय है अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। बच्चों आज हम आपको पत्र लिखने के बारे में बताएंगे, पत्र कैसे लिखा जाता है, पत्र लिखने की विधि क्या है। हम आपको ब्लैक बोर्ड के माध्यम से पत्र लिखने की विधि को बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग लिखेंगे पत्र, फिर है पत्र लिखेंगे। पत्र लिखने के बाद नीचे लाइन में अवकाश के लिए प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र, ये हेडिंग डालेंगे। उसके बाद सेवा में जिसको लिख रहे हैं उसको सेवा में डालेंगे सबसे ऊपर। फिर प्रधानाचार्य महोदय, प्रधानाचार्य को लिख रहे हैं पत्र तो प्रधानाचार्य महोदय। फिर उस स्कूल का नाम लिखेंगे जिसको आप लिख रहे हैं पत्र, तो हमने यहाँ पे पायनियर पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज बलरामपुर लिख दिया है। और आप अपने विद्यालय का नाम यहाँ पे लिखेंगे, प्रधानाचार्य महोदय पायनियर पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज बलरामपुर। उसके बाद उसके नीचे लाइन में आप डेट डालेंगे, हमने 4 सितंबर 2020 डाला है, तो आप यहाँ पे डेट लिखेंगे तारीख। फिर उसके नीचे आप हेडिंग डालेंगे विषय, किस विषय में आप पत्र लिख रहे हैं, तो हमारा विषय है अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। इसके बाद उसके नीचे लाइन में आप डालेंगे महोदय। फिर लिखेंगे सविनय निवेदन है कि पिछले 3 दिनों से मैं बुखार से पीड़ित हूँ, डॉक्टर ने मुझे आराम करने की सलाह दी है, इसलिए मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ, अतः मुझे 2 दिन की अवकाश देने की कृपा करें। फिर पूर्णराम आए, फिर मैं आपका आभारी रहूँगा उसके नीचे लाइन में लिखेंगे। और सबसे नीचे आप यहाँ किनारे सबसे नीचे यहाँ बाई तरफ आपका आज्ञाकारी शिष्य अपना नाम लिखेंगे, नाम श्लोक तिवारी कक्षा ए। तो आपके समझ में आ गया कि पत्र कैसे लिखा जाता है। एक पत्र लिखने की विधि यह है कि सबसे पहले आप उस विषय के बारे में लिखें जिसके बारे में आप लिखना चाहते हैं पत्र, फिर यहाँ बाई तरफ सेवा में, फिर अपने प्रधानाचार्य महोदय की उस स्कूल का नाम लिखें, उसके बाद डेट लिखेंगे, उसके बाद विषय आप डालेंगे, उसके बाद महोदय लिखने के बाद आप जो अवकाश लेना चाह रहे हैं उसके बारे में आप यहाँ लिखेंगे, और सबसे नीचे आप अपना नाम लिखेंगे और कक्षा लिखेंगे। अब आपके समझ में पत्र आ गया होगा, शेष आगे प्रारंभ।